होशंगाबाद में वर्षों से गुरुकुल संचालित हो रहा है। आर्यों को दी जाती है वेदों की शिक्षा, साथ ही सिखाया जाता है योग। ब्रह्मचारी छात्र शक्ति स्वाभिमान सम्मेलन एवं आर्य समाज खोजनपुर स्थापना के अवसर पर सुबह से ही आर्यों द्वारा भाषण, गीत, मंत्र, श्लोक गायन, व्यायाम, आसन, क्रीड़ा जैसे कार्यक्रम हुए। ये माघ पूर्णिमा के अवसर पर गुरुकुल के नजदीक ग्राम खोजनपुर में आर्य समाज की स्थापना 24 वर्ष पूर्व की गई थी पूज्यपाद स्वामी तीर्थस्पति जी महाराज के द्वारा। तो उसका स्थापना दिवस का कार्यक्रम था जो प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक चला, और पुनः फिर गुरुकुल के अंदर जो है आज ब्रह्मचारी छात्र शक्ति स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अतिथि महानुभावों की उपस्थिति में, जिसमें पूर्व मध्य प्रदेश के IG श्रीयुत वेद प्रकाश शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए, और पतंजलि योग समिति की मध्य प्रदेश की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी। खंडवा आदि नगरों से और महाराजपुर, छतरपुर आदि से बहुत सारे आर्य महानुभाव पधारे, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मचारियों के वाणी के द्वारा सुंदर प्रवचन, भजन, गीत, श्लोकों का गायन किया, और शक्ति प्रदर्शन के द्वारा गले से सरिया मोड़ना, लकड़ी के मलखम पर आसन करना, आग के गोले से आर पार निकलना और अनेकों स्तूपों आदि के द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो मुख्य रूप से ब्रह्मचारियों के प्रोत्साहन के रूप में ये आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर गुरुकुल में कार्यक्रम किया गया।